अमेरिका के कैंसस में एक भारतीय इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हैदराबाद के 32 साल के श्रीनिवास पूजी भोतला को बाद में गोली मारी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली मारने वाला शख्स जोर जोर से ये चिल्ला रहा था कि मेरे देश से बाहर निकलो। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की हत्या को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैरान करने वाली घटना उन्होंने बताया है। विदेश मंत्री ने राजदूत कॉन्सुलेट जनरल से तुरंत घायल की मदद करने को कहा है। सुषमा स्वराज ने अमेरिका में भारतीय राजदूत नवतेज सरना से बात की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। वहीं परगवाल सेक्टर में बीती रात घुसपैठ करने की कोशिश करते एक दूसरे घुसपैठिए को मार गिराया गया। दिल्ली के विकासपुरी में एक रेस्टोरेंट में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि आज सुबह 5 बजे दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, फिर दुकान में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में परीक्षा सेंटर से बाहर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। परीक्षा दे रहे छात्रों को नकल कराने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। लोग अपने छात्रों को नकल कराने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस के आगाह करने पर भी नहीं भागे तो पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। बिहार बोर्ड पेपर लीक कांड में बीएसएससी अध्यक्ष सुधीर कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी की टीम ने सुधीर कुमार को हजारीबाग से गिरफ्तार किया। इस मामले में आयोग के सचिव रामेश्वर राम पहले ही जेल जा चुके हैं। देश के 7 एयरपोर्ट्स पर अब चेकिंग के दौरान हैंड बैगेज और स्टैंप लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फैसले से चेकिंग के दौरान लगने वाले वक्त में काफी बचत होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शिल्पा शेट्टी टीवी और रेडियो अभियानों में सड़कों पर गंदगी फैलाने वाले लोगों को पाठ पढ़ाएंगी। शिल्पा का क्लीन इंडिया अभियान जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होगा।